अगर आप भी यशस्वी जायसवाल को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, धोनी के चेले यशस्वी जायसवाल ने राज धोनी की तरह ही बल्लेबाजी कर शतक तो लगाया ही, साथ ही रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। कैसे धोनी के इस चेले ने आज अपने चौके व छक्कों से सबको हैरान कर दिया और मुंबई की टीम के खिलाफ शतक जड़कर रोहित तक के होश उड़ा दिए। इनके इस खास शतक का पूरा वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं, साथ ही उनके रिकॉर्ड्स का भी। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, यशस्वी जायसवाल और अर्जुन तेंदुलकर दोनों में कौन ज्यादा काबिल है, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, आईपीएल एक ऐसा मंच है जहां पर हर साल युवा खिलाड़ी अपनी बल्लेबाजी और अपनी गेंदबाजी से, अपने टैलेंट से अपनी अपनी टीम का नाम रोशन करते हैं और फिर उन्हें मिलती है भारतीय क्रिकेट टीम में जगह। आज एक ऐसा ही सितारा चमका है जिसे भारतीय क्रिकेट टीम में आप जल्द ही देखने वाले हैं। दोस्तों, ये सब कुछ घटा है आईपीएल के उस मुकाबले में जहां पर राजस्थान और मुंबई की टीम आमने सामने थी। आईपीएल 2023 का दोस्तों ये 42वां मुकाबला मुंबई और राजस्थान की टीम के बीच में मुंबई के वानखेड़े मैदान में खेला जा रहा था। अब दोस्तों, वानखेड़े के मैदान में दो चैंपियन सामने सामने होंगे तो मुकाबला कांटे की टक्कर का तो होगा ही। वानखेड़े के मैदान में दोस्तों राजस्थान के कप्तान सैमसन की किस्मत ने फिर उनका साथ दिया। वो टॉस जीते और उन्होंने अपनी टीम के लिए चुनी पहले बल्लेबाजी। बल्लेबाजी करने दोस्तों सैमसन की पलटन की तरफ से इस बार सलामी जोड़ी में यशस्वी जायसवाल आते हैं बटलर के साथ। ये इनफॉर्म बैट्समैन ने इस बार के आईपीएल में कई रन लगाए हैं, कई बड़ी पारियां खेली हैं, लेकिन आज जो किया वो दोस्तों कुछ अलग था, कुछ ऐसा जो कभी रोहित ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। इससे पहले कि दोस्तों यशस्वी जायसवाल पर हम स्पॉटलाइट डालें, उनके बारे में आपको सब कुछ बताएं, उससे पहले राजस्थान के बाकी खिलाड़ियों के आंकड़े तो सुन लीजिए, आपकी हंसी नहीं रुकेगी। जॉस बटलर 18, सैमसन 14, तो पडिकल 2 रन पर आउट हो गए थे। इसके बाद जेसन होल्डर 11 और हेटमायर 8 रन पर। अब आप खुद ही सोच लीजिए, राजस्थान की टीम की हर एक टॉप का नाम हम आपके सामने ले चुके हैं, लेकिन फिर भी राजस्थान का स्कोर आज 200 के पार गया क्योंकि एक खिलाड़ी ने सब पर भारी पड़कर सबके हिस्से की बल्लेबाजी जो कर डाली। हम दोस्तों बात करेंगे अब यशस्वी जायसवाल की। ये सब विकेट्स गिरते चले जा रहे थे और सबके हिस्से के रन अकेले जायसवाल बनाए जा रहे थे। दोस्तों, फर्क नहीं पड़ा जायसवाल को, आज सामने चाहे जोफ्रा आर्चर हो, पीयूष चावला हो, राइली मैड्रिथ हो या करोड़पति कैमरन ग्रीन ही क्यों ना हो, हर किसी को इस खिलाड़ी ने चौके व छक्कों की मशीन में पीस कर रख दिया। इस खिलाड़ी की काबिलियत तो देखिए दोस्तों, कि जहां 3-4 विकेट गिर गए थे 10वें ओवर तक, वहीं उसी 10वें ओवर में पीयूष चावला को चौका जड़कर अपनी पारी की 32वीं गेंद पर इस खिलाड़ी ने स्टाइल में अपना 50वां पूरा किया। इसके बाद भी दोस्तों विकेट गिरने का सिलसिला रुक नहीं रहा था, लेकिन एक चोट से विकेट गिर रहे थे तो एक चोट से यशस्वी जायसवाल उतने ही ज्यादा रन भी बना रहे थे। दोस्तों, मुंबई की टीम की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट पीयूष चावला और अर्शद खान ले चुके थे, लेकिन उन्हें ही सबसे ज्यादा रन पड़े यशस्वी जायसवाल के हाथों। दोस्तों, इन्हीं चौके व छक्कों को जारी रखते हुए आखिरकार जायसवाल 50 गेंदों में 92 रन बना ही चुके थे। अब थोड़ा बहुत उन्हें ध्रुव जुरेल का साथ मिलने लगा था और फिर आया वो सुनहरा लम्हा जब दोस्तों जायसवाल ने इतिहास ही रच दिया। दोस्तों, यशस्वी जायसवाल ने आज अपनी पारी की 53वीं गेंद पर अपना शतक पूरा कर लिया। चौके पर चौका जड़कर रॉयली मैड्रिड को दोस्तों इस खिलाड़ी ने अपना यह सुनहरा शतक लगाया। 21 साल और 123 दिन के इस युवा खिलाड़ी ने आज मुंबई की टीम के खिलाफ दोस्तों इस शतक लगाकर अपने आप को उन चुनिंदा युवा खिलाड़ियों की लिस्ट में चौथे नंबर पर ला दिया है जिन्होंने आईपीएल में शतक भी लगाया है। और दोस्तों, इनका तूफान यही नहीं रुका, अगले ओवर में इन्होंने जोफ्रा आर्चर को 2 बैक टू बैक सिक्स भी लगाए और देखते ही देखते ये 59 गेंदों में 120 रन के आसपास पहुंच चुके थे। दोस्तों, जायसवाल की यही पारी आज राजस्थान की इज्जत बचा गई, उन्हें 200 के पार ले गई और इन्होंने शतक पे रिकॉर्ड तो बना ही डाले हैं। दोस्तों, जायसवाल वही खिलाड़ी हैं जो पिछले साल धोनी के सामने हाथ जोड़े खड़े थे। वो अपने हर इंटरव्यू में धोनी, कोहली, रोहित से सीखने पर बयान देते हैं और आज उनकी सीख काम भी आई है। यशस्वी जायसवाल के इसी शतक को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।